नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निशुल्क क्लासेस में। उपसर्ग की क्लास चल रही है अपनी और आज उपसर्ग की तीसरी क्लास है। अच्छे एग्जाम्पल्स आपके सामने मैं हर बार लेके आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप बराबर नोट्स भी बना रहे होंगे। आपको अगर लगता है कि नहीं यार, ये शब्द तो हमें हाथों हाथ याद हो गए, तो देखिए उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी के देखा जाए तो सबसे टफ टॉपिक में से है, एक है। तो आप भले ही आपको कुछ भी लगे, लेकिन आप नोट जरूर करें, ये आपके आगे के लिए फायदा होगा। मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ और आप समझे भी इसे, है ना। अब बात करते हैं, हम उपसर्ग टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चर्चा कर लेते हैं। अभी जो EWS के फॉर्म वापस निकले हैं, आपको बता दूं, बहुत से साथियों के मन में एक शंका है कि सर हम किस क्या हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, क्या संशोधन का मौका दिया जाएगा या नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, फॉर्म में संशोधन का मौका जो था वो 3 बार वो पहले भी दे चुके हैं, और अगर आप लोगों ने लापरवाही बरती है तो इसमें आपकी खुद की गलती है। इसमें हम फिर सरकार को दोष नहीं दे सकते। 3 बार उन्होंने फॉर्म जो है संशोधन का मौका दिया था, फिर भी अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से ये उसी की गलती है। इसके अलावा अब कुछ साथी बोले सर हम नए फॉर्म नहीं भर सकते, सिर्फ जिनकी कैटेगरी EWS है वही भर सकते हैं, जो जिन्होंने पहले जनरल से फॉर्म लगा रखा था। अब वो सभी साथी जो EWS की जो अर्हताएं हैं, योग्यताएं हैं, पूरी कर रहे हैं, वो EWS में भर सकते हैं। अब जो कुछ बोल रहे हैं कि हम OBC EWS में भर देंगे, ST EWS भर देंगे, SC SC, अरे यार तुम कैसे भर दोगे, ऑलरेडी आपको आरक्षण मिल रखा है OBC ST SC ST को, तो फिर तुम लोग कैसे EWS में फॉर्म भर दोगे। ये अगर इस तरह की बात जो कर रहा है, वो उसे न तो रीट का ज्ञान है, ना कोई, कहोगे सर हम भी है ना थोड़ा पता नहीं है, तब आपसे पूछें। अरे वो बात नहीं है, बात यह कि आपको ये पता होना चाहिए कि EWS आपने पढ़ रखा है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा EWS को मतलब क्या वैध किया गया है, सब कुछ आर्थिक आधार पे जो आरक्षण दिया गया है, ठीक है, वो जनरल जनरल कैटेगरी में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको ये आरक्षण दिया गया है, ये 10% लोग, तो ये वो 10% जब फॉर्म भरेंगे। OBC SC ST में ऑलरेडी आप आरक्षण में भर चुके हो, तो अब आपको फॉर्म भरने का अधिकार नहीं है। EWS में सिर्फ जनरल कैटेगरी के वे छात्र जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं वो ही फॉर्म भरेंगे, और इसके अलावा किसी को मौका नहीं दिया गया है। इससे एक संकेत यह भी मिलता है कि 26 सितंबर को जो पेपर है उसके चांसेस पूरे पूरे अब बन रहे हैं। अब ईश्वर ने चाहा सारी व्यवस्थाएं सही रही, कोई कोरोना की फिर तीसरी लहर नहीं आ जाए, तो निश्चित रूप से पेपर होकर रहेगा, निश्चिंत रहें। हाँ जी, तो ये बात क्लियर कर लें। अब आपको, अब जिसके कोई फॉर्म में गलती रह गई है तो भी घबराएं नहीं, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेक्शन ले लो पहले, उसके बाद अगर गलती रही, बाद में एक फॉर्म आपसे और भरवाया जाएगा जब जॉब वगैरह, तो उस वक्त मैं जहां तक समझता हूँ एक प्रमाण पत्र के आधार पर आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी तैयारी करें। अब गलती रह गई है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, ऑथेंटिक चीज, बाकी तैयारी करें, ये कोई बड़ी बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हम उपसर्ग कर रहे थे, आज हम उपसर्ग करेंगे, नी तक उपसर्ग कर लिया था, अब हम आज करेंगे निर, ठीक है, और निस। देखिए दोनों हम इसलिए साथ करेंगे, निर और निस उपसर्ग करेंगे, और निर और निस जो है वो इसलिए हम साथ में करेंगे क्योंकि आपको पता है जब संधि करते हैं तो दोनों के लिए भी संधि में क्या प्रयुक्त होता है, नि प्रयुक्त होता है, ठीक है। EWS वाली बात क्लियर हो गई है, अब हम टॉपिक पे आते हैं। निह जो प्रयुक्त होता है, अब इसका अर्थ क्या होता है, बिना, निषेध, अत्यंत, बाहर या निश्चय। क्या होता है, बिना, निषेध, अत्यंत, है ना, या फिर निश्चय, ये कुछ इसके अर्थ होते हैं। हमें हमने संधि अच्छे से की है और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप जो भी टॉपिक देखना चाहो देख भी सकते हो, ठीक है। तो अब इससे बने हुए शब्द देखिए, हमें क्या देखना है, शब्द हमने लिखा निरपराध। अब अगर इसे तोड़ेंगे तो आपको पता है नी क्या बनेगा, निर, र है, आधा र हो जाएगा और र में से स्वर निकल जाएगा, तो देखिए इसको अगर हम संधि के हिसाब से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, निह धन अपराध, और अगर इसे उपसर्ग के हिसाब से तोड़ेंगे
तो क्या हो जाएगा, निर्धन अपराध। बात समझ आ रही है आपको? यहां मूल शब्द क्या है, अपराध है, और यहां निर्धन अपराध है। तो ये कुछ लोग कहते हैं नहीं सर संधि में ऐसे टूटेगा, तो देखिए उपसर्ग का तोड़ने का नियम अलग है और संधि का तोड़ने का नियम जो है वो अलग है। तो घबराए नहीं, संधि जिसने कर रखी है उसको अच्छे से ये टॉप क्लियर आता है। हाँ जी, निरापद, जैसे निरापद क्या है, निरापद, ठीक है। बहुत से शब्द आपको मिल जाएंगे, फोन डिस्टर्ब नहीं करे तो बढ़िया रहेगा। हाँ, निरापद, निर्वलंब, निर्वलंब अर्थात क्या हो जाएगा, निर्धन अवलंब, ठीक है। निरस्त हो जाएगा, निरपराध, निरापद, निर्वलंब। आप अगर पढ़ते समय इन शब्दों को, मैंने कहा था आप चाहे किताब लेके बैठो पास में, चाहे कोई गाइड लेके बैठो पास में, कम से कम इसके सारे शब्द एक बार पढ़ तो लोगे साथ साथ में। भाई आप गाइड में भी इसके गाइड लेके बैठिए तो आपका दो फायदे होंगे, एक तो मेरी क्लास भी देखी जाएगी और दूसरा फायदा क्या होगा कि आपने गाइड में से वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, तो आपको लगेगा हाँ उपसर्ग पढ़ते मैंने एक बार पढ़ लिए। वरना ये रहता है यार ये टॉपिक रह गया, ये टॉपिक रह गया, तो वो सारी चीज़ें जो होती है ना उनसे आपका आपको छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, जैसे निरपेक्ष। अब कुछ मैसेज भी आते हैं कि सर इसमें ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो देखिए कैसे हो गया ये तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नियम है और नियम आपके सामने है तभी तो हुआ है, वरना ऐसे तो होता नहीं। बात समझ रहे हो मेरी, ठीक है। जैसे निरंकुश, क्या है निरंकुश, और आज लाइट सही नहीं है ना, बाहर रोशनी कम है। निर्लज, निर्धन, निर्गुण, ठीक है, और निर्गुण, निर्धन, निर्लज, निरापद लिख दिया ना मैंने, निरापद तो लिख दिया, तो फिर और कौन सा रह गया, सब तो बहुत हैं। निरामिष है, निरामिष, निरंतर लिखा नहीं लिखा, निरंतर, निरामिष, निरंतर, निरंध्र भी हो जाएगा, निरंध्र, ये भी अच्छा शब्द है, निरंध्र जो है वो भी अच्छा शब्द, निरभ्र लिखना था वैसे, निरंध्र नहीं निरभ्र होगा, निरभ्र लिखना है, निरभ्र, निर्धन अभ्र, हाँ सही है। और निर्देश, ठीक है, र के मैंने काफी बता दिए, निर, निर के मैंने काफी बता दिए, निरपराध है, निरापद है, निर्वलंब है, निरामिष है, निर्धनामिष, निर्धवलंब, निर्धनपेक्ष, निर्धन है ना, लज, निर्धन, ये सारे शब्द इसी में आएंगे, ध्यान रखना। और आपके पास अगर किताब अगर गाइड मौजूद है तो आप उस गाइड को ध्यान से देखें, आपको पता लगेगा कि हाँ कौन से शब्द आ सकते हैं कौन से नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है यार ये टुकड़ा तो अजीब सा होगा, ये ऐसा कैसे हो जाएगा, वो ऐसे इसलिए होता है क्योंकि हमें शब्दों का ज्ञान नहीं है हमारा। देखिए आपने देखा होगा कुछ हमारे स्टूडेंट साथी है, मतलब ऐसे होते हैं जिनकी जो वोकेबलरी बड़ी शानदार होती है, और वोकेबलरी शानदार होगी ना तो उसको ऐसे शब्दों का ज्ञान रहता है। अब हम अगर हम स्टार्ट से संज्ञा सर्वनाम पढ़ने से पहले या हिंदी को दो भागों में बांटकर एक तरफ संज्ञा सर्वनाम विशेषण अभिक्रिया वो रखें और एक तरफ हम संधि समास उपसर्ग पढ़ते रखें, दोनों को बराबर पढ़ा जाए ना, तो निश्चित रूप से हिंदी में आप इतने पारंगत हो जाओगे जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन हम इस तरह से पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। अब मैं निस के लिख रहा हूँ, निस, निस के बारे में क्लास उम्मीद करता हूँ सही चल रही है। हाँ जी सही चल रही है, और लाइट भी आज जो है वो एकदम सही है, ठीक है। पिछली बार थोड़ी लाइट वाली बड़ी दिक्कत आई थी। निस में देखिए आपको ये बता दूं कि जो निस है, चलिए यहां मीटर निस लिखने से कोई फायदा तो है, निस अर्थ सेम ही है। निस में देखिए ये निस भी आ जाएगा और ये निस भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे, ठीक है, शब्द कोई सही हो। जैसे निष्कंटक, निष कंटक,
अब अगर हमें इसमें उपसर्ग पूछा जाए तो उपसर्ग कौन सा होगा? निश ही होगा। निष्कंटक अगर उपसर्ग पूछा जाए तो निश ही होगा। जैसे निशंग, अगर हमें इसमें उपसर्ग पूछा जाए तो कौन सा होगा? निश ही होगा। यानी चाहे स शंकर आए चाहे स षटकोण आए, उपसर्ग कौन सा होगा? हमेशा नि स सड़क ही होगा। और वहां आपके इस प्रकार का शब्द जो होगा, इस प्रकार का जो शब्द दिया जाएगा, मान लो आपको जैसे मान लो निश्चय दे दिया, या निश्चय तो निश्चय शब्द दे देते हैं, निश्चय दे दिया, और आपसे पूछा जाएगा ए बी सी और डी कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, और सीधा पहले यही दिया होगा, दूसरा ये दिया होगा, तीसरा ये दिया होगा, और अगला होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब होगा क्या, हम इसको देखेंगे। आज 50% स्टूडेंट तो जिन्होंने तैयारी नहीं कर रखी है वो इस पर राइट लगा के आगे चल पड़ेंगे, जिनको ज्ञान नहीं है, जो फ्रेशर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अनुभवी कभी ऐसी गलती नहीं करेगा, ठीक है। अब कुछ लोग लगभग 80% के करीब, मतलब यूँ समझ लीजिए आप 30-40% क्या करेंगे, एक बार आगे जाके आएंगे, अच्छा हाँ ये तो सेट बैठ रहा है, ये तो इतना इजी पर्सन है, जबकि राइट आंसर कौन सा होगा? ये राइट आंसर होगा। तो ऐसी गलती होती है। अब आपको होगा ऐसी गलती नहीं होती है। देखिए ऐसी गलती जो फ्रेशर्स हैं उनसे होती है, और निश्चित रूप से वो बाहर आके पछताते भी हैं और वो जिदते भी हैं कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन जब वो टॉपिक को क्लियर करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ऐसा हुआ, मतलब आराम से हो सकता है। आप सब देखिए निस्तार, निस्तेज, ठीक है, निश्चित भी हो जाएगा, निश्चित, निष्कलंक तो अच्छा हो गया, निष्कलंक तो हो गया, निष्काम, निष्कासन है ना, निष्कासन और कासन सड़क ही है ना, हाँ ठीक है, और निश्चेतन, निश्चेतन, और आप लिखो देखें कोई दो चार कमेंट में शब्द लिखो बढ़िया से, निस्वार्थ, निस, ये नहीं होगा, निस्संदेह, ठीक है, निस्संतान क्या हो जाएगा भाई, निस्संतान, और निस्संग, निस्संग, ठीक है, निस्संतान, निस्संग। आपके पास गाइड भी होगी, कोई किताब भी मैंने कहा लेके बैठी है तो उसमें देखिए, और शब्द निशेष, स शंकर है, ठीक है, निशेष, और निःशुल्क। अब देखिए ये भी शब्द हम निःशुल्क बोलते हैं, निःशुल्क, बात समझ आ रही है, निःशुल्क लिखते हैं हम, निःशुल्क, ठीक है, लेकिन यहाँ हम ये कर रहे हैं। और शब्द क्या होगा, उदाहरण तो बहुत हैं, ठीक है, हमें सारे उदाहरण याद हो जरूर थोड़ी है, निस्तार लिख दिया, निश्चल, निस्तल लिख दिया, निस्संदेह हो गया, निस्पंद, 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 ठीक है, निस्पंद हो गया, बहुत हो गया एग्जांपल, ठीक है, एक दो और लिख लो, निष्क्रमण, निष्काम लिख दिया था क्या, निष्काम लिख दिया था, निष्क्रमण, ठीक है। तो इस प्रकार से आप खूब एग्जांपल कर सकते हो, और बहुत अच्छे तरीके से, एक निष्क्रिय शब्द भी होता है, सही लिखा है क्या, या ऐसे लिखूं, निष्क्रिय, समझ आई बात। तो निर और निश, आपने संधि विच्छेद कर रखा है, विसर्ग संधि के उदाहरण जिनमें इस प्रकार के शब्द हों वहां हम नी ही करते आए हैं, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, निर और निस करेंगे। तो ये विसर्ग संधि ध्यान रखें, मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि ऐसे शब्द से आप अगर बार बार बोल रहे हो, निश्चेतन, निस्वार्थ, निस्संग, निस्संतान, तो कहीं ना कहीं आप ये सोच के चलिए हम तत्सम उपसर्ग कर रहे हैं, और तत्सम उपसर्ग करने के कारण आप तत्सम शब्दों का वोकैबुलरी है ना, वो भी आपकी स्ट्रांग हो रही है। तो हर चीज़ को जरूरी नहीं है कि लाइव आकर ही सब कुछ बढ़िया चीज़ दी जाए, मैं आपको वीडियो में भी पूरे एकाग्रता के साथ बहुत बेहतरीन करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप तो बस आपका काम है पढ़ें, मैं मिटा दूँ ये, फिर अगला उपसर्ग लेते हैं।
चलिए बढ़िया तरीके से पढ़ा करो बस। एक और कोशिश कीजिए कि एक टॉपिक को एक बार है ना पूरा करना है। पूरा करने का मतलब ये नहीं है कि उसे याद करो। और उपसर्ग प्रत्यय को कोई याद किया जाता है क्या भला? और जो ऐसी गलती कर रहा है ना तो उसके कभी क्लियर होंगे ही नहीं। उपसर्ग प्रत्यय याद थोड़ी, ये समझने लायक चीज़ है। इसमें आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा हाँ इस प्रकार से होते हैं और ये टुकड़े इस प्रकार से करने हैं। और जिसने एक बार समझ लिया ना वो फिर गलती कभी करेगा भी नहीं। ये भी क्लियर है, ये भी गलती कभी भी वो गलती करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, अब हम करते हैं परा प्र पिछले वीडियो में थोड़ा सा ब्लर हो रहा था बार बार। उम्मीद करता हूँ इस बार नहीं होगा ब्लर, है ना? एकदम मुझे थोड़ा देखना पड़ता है। हाँ ब्लर हो रहा है, अब सही है। हाँ क्योंकि ये क्या होता है कि एकदम से मैं कैमरे के आगे से हटता हूँ ना तो फिर थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। अब देखिए सुविधाएं ऐसी है, क्या करें। लेकिन ठीक है, क्लासेस चल रही है, रेगुलर चलेगी और निश्चित रूप से आपको फ़ायदा भी होगा। ठीक है, मैं स्याही डाल लेता हूँ। हाँ आज आपको शिक्षण विधियों की क्लास में मिल जाएगी, इकाई विधि के बाद में। अब हम करते हैं पहले परी कर लेते हैं, परी उपसर्ग। ठीक है, परी का अर्थ होता है चारों ओर अच्छी तरह। परी का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। परी का अर्थ होता है चारों ओर। इसके अलावा इसका अर्थ होता है अच्छी तरह। अच्छी तरह भी इसका कहीं ना कहीं अर्थ होता है। ठीक है, अच्छी तरह, अतिशय, ये भी इसके अर्थ होते हैं। अतिशय, अच्छी तरह, ये इसके अर्थ होते हैं। कौन से उपसर्ग के? मैं परी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें परा उपसर्ग की, किसकी बात करें? परा उपसर्ग। ये परा उपसर्ग भी ऐसा ही होता है जिसका अर्थ होता है परे, पीछे या उल्टा। परा जो उपसर्ग होता है, परी का चारों ओर वगैरह होता है। ठीक है, और पीछे, उल्टा, ठीक है, परा। और उसके बाद जो होता है उपसर्ग होता है वो होता है प्र, या प्र करें क्या पहले? चलिए दो कर लेते हैं एक बार। पहले शब्द पता नहीं कितने लिखेंगे। हाँ तो परी के शब्द देखिए, ये पापा वाली परी नहीं है बल्कि ये परी है, छोटी परी है। ठीक है, पापा वाली परी अलग होती है ना? कैसा रहा? मैं हाँ पापा वाली परी, हाँ थे ओ ए पापाड़ी परी कौन परे? पापाड़ा परा जरूर है। ठीक है, देखिए इसके शब्द आ जाएंगे परिकर। अच्छा शब्द है तत्सम के लिए। ठीक है, परिकलन, परिभ्रमण, ठीक है, पर्यावरण, ठीक है, पर्यंत। शब्द बहुत अगर याद आने शुरू हो जाए तो बहुत याद आ जाते हैं, वरना एक भी याद नहीं आता। परिकर, परिकरण, परिभ्रमण, ठीक है, पर्यंत, पर्याप्त, ठीक है, और पर्याप्त के बाद परिग्रह, परिग्रह, पर्यावरण, पर्यंत, पर्याप्त, परिग्रह। साथ साथ में लिखा करो कमेंट में ताकि उसका फायदा बताता हूँ। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि जब दूसरे साथी कमेंट्स पढ़ेंगे तो वो बहुत से शब्द पढ़ेंगे। आप एक दूसरे के शब्द पढ़ोगे तो आपके शब्दों की वोकैबुलरी बढ़ेगी। इस बात समझ आई? हाँ, परिचालन, परिच्छेद, परिचालन, परिच्छेद, और 3, 4, 7 दोनों काफी हो गए या नहीं हुए? और शब्द परिजन भी हो जाएगा ना, परिवार, परिजन, परिवार, परिजन। देखिए ये भी अच्छा शब्द है, परिवार, परिजन, क्योंकि परिदृश्य, परी, ये नहीं होगा, परिणत हो जाएगा, परिणत, ठीक है,
परिणत, ये क्या होता है थोड़ा सा फिर वाइब्रेट ब्लर, उम्मीद करता हूँ नहीं हो रहा है लाइव में, तो क्या पूछ लेता हूँ मैं आपसे, फिर भी मैंने सामने सेट कर रखा जिससे मुझे पता लग जाए, है ना। परिकर है, परिकलन है, परिभ्रमण है, पर्यावरण है, पर्यंत है, पर्याप्त है, परिग्रह है, परिचालन है, परिदृश्य है, परिणत है, काफी शब्द हैं। और किसी भी शब्द को जब पढ़ रहे हो तो साथ में ये भी पढ़ना है आपको कि हाँ इसमें ये मूल शब्द है, हाँ ये इसमें मूल शब्द है। उसका अर्थ आपको पता हो अथवा नहीं हो ये कोई मायने नहीं रखता है मेरे अनुसार। देखिए वैसे तो हर शब्द का अर्थ पता हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल आपको मूल शब्द का ज्ञान होना चाहिए कि इसमें परी, अब मान लो जैसे ये शब्द है पर्यावरण, अब इसमें हमें पता होना चाहिए कि परिधन आवरण, ईधन यण संधि वाला नियम काम कर रहा है ना, परिभ्रमण बाकी सब में है ही, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कई मान लो शब्द ऐसे आ जाए जिनमें आप कहोगे सर बड़ी आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, शब्द आ जाए, देखो मान लो परिधि, ठीक है परिधि में अच्छा शब्द है, ठीक है परिपालक है, परिजीवी है, मेरा काम है आपको अधिक से अधिक शब्द देना, जहां हिंदी के उपसर्ग आएंगे वहां मैं जो समझाने लायक चीज है वो आपको जरूर समझा दूंगा, ठीक है। अब इसमें मैं धीरे धीरे इसलिए बढ़ा रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे, मैं थोड़ा समय देता हूँ खुद को ताकि मुझे और शब्द भी याद आए, परिषद ज्यादा से ज्यादा आपको शब्द दे सकूँ इसलिए थोड़ा समय दे रहा हूँ खुद को, ठीक है। हाँ देखिए पराक्रम, पराजय, पराभाव है ना, पराक्रम, पराजय, पराभाव, ठीक है। इसके अलावा पराकाष्ठा, ठीक है, परार्थ एक शब्द होता है परार्थ, ठीक है ये भी सही शब्द है ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना गलत है। और पराभूत क्या शब्द हो जाएगा, पराभूत, और बस ठीक है इसमें थोड़ा कमी है शब्द, पराभूत, पराभाव। अब इसके बताओ आप शब्द, इसके शब्द आप बताओ, क्योंकि मेरे जो नोट्स है मैंने पीडीएफ डाली नहीं है अभी तक, मैंने सोचा था उसमें कुछ और शब्द ऐड करूं फिर पीडीएफ डालूं, तो जो नोट्स में लिखे हुए हैं उनमें ये इनमें से बहुत से शब्द नहीं हैं, क्या सर आपने थोड़े तो लिखे हैं, इसमें से कुछ दूसरे शब्द हैं आपको अब कमेंट्स में लिखना है। देखिए आप इतना आलस्य क्यों करते हो, जब आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप कमेंट में लिखिए तो कमेंट में एक शब्द भी लिखते हो ना आप, 300 व्यूज तो नॉर्मली है, 300 स्टूडेंट में से चलिए मान लें कि 100 स्टूडेंट हैं वो क्लास को रेगुलर देख रहे हैं, और ये हकीकत हो रही है 100 स्टूडेंट्स तो पूरी देख रहे हैं क्लास को, तो आप 100 कमेंट्स तो कर सकते हो, एक एक शब्द लाइक और कमेंट्स एक एक तो कर सकते हो, इतना आप आलस्य क्यों दिखा रहे हो। मैं मानता हूँ जो रेगुलर कुछ साथी हैं वो तो बराबर मतलब बताते हैं कि सर हम आपकी क्लास देख रहे हैं, लेकिन आप जो मतलब थोड़ा सा क्या कह सकते हैं निस्तेज हो रखे हो, तो थोड़ा सा उत्साही बनिए, एक्टिव रहिए, सक्रिय रहिए और खुश रहिए, थोड़ा सा कमेंट करें बराबर कि हाँ सर हमें दो दो शब्द अच्छा चलो ये कोशिश करो कि सर हम दो बढ़िया शब्द लाते हैं, हर स्टूडेंट अगर एक बढ़िया शब्द उसकी दृष्टि से बढ़िया शब्द अगर कमेंट में लिखे तो कितने तैयारी होगी, और ये तैयारी निःशुल्क है, इसका मतलब ये नहीं है कि बस मैं घास काटूंगा, नहीं बल्कि हम सब मिलकर बहुत बढ़िया तैयारी करेंगे एक दूसरे के लिए, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि शब्द बढ़िया मिले, आपका भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा, ठीक है। अब लिखता हूं मैं प्र, प्र उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग, प्र उपसर्ग, प्र का अर्थ होता है आगे अधिक विशेष, आगे अधिक और विशेष। अब इसमें बहुत से शब्द हैं, आप जितने शब्द करते हो ना उतने कम हैं इसमें, देखिए प्रकार क्या शब्द है, प्रकार, प्रकांड होता है, ठीक है, और प्रकरण होता है, क्या होता है, प्रकरण होता है, प्रकीर्ण होता है, ठीक है, प्रखर होता है, क्या होता है, प्रखर होता है, प्रकार, प्रकांड, प्रकरण, प्रकीर्ण, है ना, प्रज्ञा होता है, क्या होता है, ये सारे देखिए बहुत अच्छे शब्द आएंगे इसमें, प्रखर, प्रदीप, समझ आई बात,
प्रदीप्त, प्रख्यात मैंने लिख दिया होगा शायद, नहीं लिखा, प्रख्यात ठीक है, प्रज्वलित ठीक है, प्रगति ठीक है, प्रचालन प्रचार प्रसारण ठीक है, और प्रणिधि प्रणिधि प्रयोजन शब्द देखिए, एक एक शब्द कीमती है, प्रभु है ना शब्द अच्छा, प्रमाण प्रणाम एक से जुड़े हुए शब्द याद आते हैं, फिर प्रपंच बहुत है, प्रकार प्रकांड प्रकरण। अब कोई कहेगा सर ये कैसे हो गया, मैं बता रहा हूं ना ठीक है, ऐसे आएंगे प्रकंप। अगर आपको लगे कि सर किताबों में नहीं है गलत है तो मुझे बता दे कहां दिक्कत है, आपको लगता है कि नहीं मैंने गलत बता दिया तो आप मुझे बताएं, इससे क्या होगा आप बढ़िया चीजें ढूंढोगे, सीधी सी बात है ठीक है। तो परी परा और प्र ये तीन उपसर्ग हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब आगे चलते हैं, ब्लर तो नहीं हो रहा ठीक है, चले आगे। हाँ जी अब आगे चलते हैं हम, चलो एक काम करो सारे के सारे, एक काम कीजिए आप लोग कि फटाफट बताइए कि अब तक कितने उपसर्ग हो चुके हैं, अब तक कितने उपसर्ग, या एक काम करें क्लास के बाद में आप बताएं कि सर संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उनमें कौन कौन से बाकी रह गए, क्या ऐसा आपको पता चलता है क्या कि मैंने ये उपसर्ग छोड़ दिया जो रेगुलर ले रहे हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कभी मेरे कहने के साथ जब एक मतलब इतने कमेंट आए ना तब आनंद आए। देखिए आप बार बार बोलते हैं सर आप मोटिवेट करते रहिए मोटिवेट करते रहिए, आप भी तो नहीं करते हैं मोटिवेट, आपका खुद का भी तो मतलब भाई देखिए नियम सबके लिए बराबर होते हैं, आप भी फीडबैक दीजिए बराबर कि हाँ सर हमें अच्छा लग रहा है हमें बढ़िया लग रहा है, कुछ साथी तो बिना कहे दे रहे हैं, नए नए साथी आ रहे हैं वो भी दे रहे हैं, तो आप अपना फीडबैक दीजिए जिससे मैं आपको और बेहतर देने का प्रयास कर सकूं, वरना फिर आनंद नहीं आता है ठीक है। हाँ अब अपन कर लेते हैं सम, अच्छा उदाहरण है ना सम उपसर्ग, कौन सा है सम उपसर्ग, सम उपसर्ग का अर्थ होता है उत्कृष्ट, साथ उत्कृष्ट साथ ठीक है, पूर्ण सहित उत्कृष्ट साथ बहुत है, पूर्ण और सहित उत्कृष्ट साथ पूर्ण सहित ठीक है, ये सम के अर्थ हैं, उत्कृष्ट मतलब पूर्ण साथ सहित या भली प्रकार भी कह सकते हैं, उपसर्ग है इसका अर्थ एक और है भली प्रकार, भली प्रकार ठीक है। हाँ जी अब इसमें तो मुझे शब्द बताने की जरूरत ही नहीं है, देखिए जहां पर उपसर्ग संकल्प संयोग संताप संचार संकल्प, संकल्प तो हो गया ठीक है, संसार संहार सम्मान सम्मेलन संता संताप हो गया ना, संचार भी हो गया, संचार लिख दिया, संचार संज्ञा संधि संवाद ठीक है, संलग्न। अब मैं क्या ये सब इतने याद कैसे कर पा रहे हैं, वर्णमाला को लेके चलते हैं कि हाँ ल से कोई है क्या, य से कोई है क्या, व से कोई है क्या, है ना, तो इस तरह से हमें याद आ जाते हैं वरना याद नहीं आते हैं। जैसे संबल संरक्षक ठीक है, संबल संरक्षक संपत्ति है ना,
संपत्ति को मिटा देते हैं, संपादक संपूर्ण संभव वागणा। आप समझ गए होंगे, हमने व्यंजन संधि की है कि म के बाद अगर प्रथम वर्णमय है, ये सारी चीजें हम करके आए हैं ना, प्रथम वर्ण आए तो क्या होगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, ठीक है। तो इन सारे शब्दों में अगर उपसर्ग पूछा जाए तो कौन सा है, सम उपसर्ग है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और दिक्कत आएगी भी कैसे, जब हम अच्छे से एक एक क्लियर कर रहे हैं तो फिर कैसे आएगी, ठीक है। अब हम कर रहे हैं वी, वी उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग कर रहे हैं, वी उपसर्ग कर रहे हैं, विपरीत विपरीत विशेष विपरीत विशेष विपरीत विशेष और अभाव, एक इसका अर्थ होता है अभाव और एक होता है दूसरा, तो ये इसका अर्थ होता है। अब ये भी बहुत सरल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए इसको यहाँ लाइन खींच देते हैं, एक विकंपन विसर्जन, हाँ मैं जोड़ दे के गलत बोल रहा हूँ, विसर्जन, ठीक है, विच्छेद, ठीक है, विधान, ठीक है, विधान, विधान के बाद विज्ञान, वितान, विध्वंस, विध्वंस और वियोग, विनाश, विनाश, ठीक है, विनिर्माण, विनियोग, विनियोग है ना, विच्छेद, विच्छेद और विच्छिन्न, विच्छेद विच्छिन्न, विन्यास, विन्यास और विपर्याय। विपर्याय ठीक है, वह बहुत है, बहुत हो जाएंगे, ठीक है। एक आधा और लिख लो, वी जाती है, ये ब्लर हो जाएगा, हो गया क्या ब्लर, नहीं हुआ, ठीक है, वी जाती है और वी जाती के बाद एक और लिख लो, विपक्ष लिख लो, है ना, और विनियोग लिख दिया, ठीक है, लिख दिया मैंने सारे सारे। अब ऐसे तो बहुत से लिखते जाओ, चार चार आठ दो ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, एक और लिख देता हूँ, ठीक है, विदग्ध विखंडन भी हो जाएगा, विदग्ध विखंडन, हाँ विखंडन हो जाएगा, ये भी सरल है। तो कितने हो गए, सम और उपसर्ग। देखिए उदाहरण भी खूब लिखा रहा हूँ और लिखाने के साथ साथ मैं ये भी बता रहा हूँ, आप कहोगे सर बोर कर रहे हैं, कईयों के देखिए, कईयों के चलिए मैं मानता हूँ लाइव थोड़े से क्या है कि इंटरेस्टिंग रहती है क्लास, और आप भी देखते हो दू मतलब मारवाड़ी का दू दा कमेंट में कमेंट आवा है, चर्चाएँ चल रही है, ध्यान रहता नहीं है, मैं मानता हूँ उस चीज़ को। लेकिन चूँकि अब अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय हम कोशिश करें कि इस प्रकार से ज़्यादा शब्द सीखें, और आगे जब वापस संज्ञा सर्वनाम का रिवीजन करवाऊंगा कुछ थोड़ा बहुत, मतलब वो क्लासेस लाइव चलाऊंगा तो उसमें मैं वापस लाइव आ जाना, उसमें हम क्वेश्चंस हल करेंगे। तो थोड़ा धैर्य रखिए और कंप्लीट कीजिए, एक एक शब्द सीखिए,
देखिए, अब मान लो सपोज ये विच्छेद शब्द है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई इसमें क्या है, वि धन छेद है, मूल शब्द क्या है, छेद, क्योंकि हम व्यंजन संधि पढ़ के आए हैं, च का आगम हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या विच्छिन्न में, विच्छिन्न भी तो लिखा था मैंने, ये रहा, तो आपको विच्छेद विच्छिन्न दो बार लिख दिया। चलिए, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, पता होगा तो भाई फायदा रहेगा, और अगर नहीं पता होगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा जिसकी भरपाई भी नहीं की जा सकती है। पराविद्या है ना, कितने हो गए भाई उपसर्ग, कंटिन्यू चला देता हूँ मैं ना, एक उपसर्ग लिख दो, सु 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 का अर्थ क्या होता है, अच्छा सुंदर, सु का अर्थ होता है सुंदर या अच्छा। इसमें देखिए, सुकर्म, सुपुत्र, सुयोग, ठीक है, सुयोग, सुयस, सुगंध, ठीक है, सुजान, सुचरित्र, कई कई उपसर्गों के अच्छे याद आते हैं, सुवर्ण, सुविचार, सुवर्ण, सुविचार, सुमुखी, सुमुखी, सुशिक्षित, सुशिक्षित, सुविधा, ये अच्छा शब्द है, ठीक है, सुस्वर, स्वागत तो आपको पता है ही, स्वागत, स्वल्प, ये भी इसी में आएगा, सुधन अल्प, ठीक है, इसका अर्थ सहज भी होता है, सहज, स्वल्प और स्वागत, स्वल्प, सुसंगी, सुयोग, सुसंगी भी लिख सकते हैं, सुसंगी, सुरम्य, ठीक है, सुडोल, ठीक है, सुकुमार, सुकृत, वाह बहुत है, खूब एग्जांपल लिख दिए, सुकर्म, सुपुत्र, सुयोग, सुयस, सुगंध। तो अब आपको ये बताना है कि मैंने जो संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं उनमें से कौन सा उपसर्ग छोड़ दिया, याद रखें, ये बताने का यही आपको देखना है कि आपको वास्तव में पता चल रहा है या नहीं चल रहा है कि गुरुजी आवे जी पटावे यार बस आवे, तो थोड़ा बहुत आप भी ध्यान रखो, ठीक है। तो आज हमने लगभग 8-9 उपसर्ग का कंटिन्यू किया, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मैं जितना चाहूँ उस हिसाब से आपको जो चीज़ समझानी है वहाँ रोक सकता हूँ, और बाकी मैं क्लास को कंटिन्यू कर सकता हूँ। वहाँ एक बार अगर मान लो थोड़ा सा मतलब हट गए तो फिर टॉपिक से हट जाते हैं, फिर 2 या 3 उपसर्ग ही होंगे, तो 2-3 उपसर्ग से फिर अच्छा नहीं लगता। फिर समाज की क्लासें भी कल प्लेलिस्ट बनाई तो पता चला कि 15-15 समाज की क्लासें होगी, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं जानबूझ के किया गया है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि थोड़ा सा टॉपिक भी होना चाहिए क्लास में, ठीक है। तो आज की इस क्लास में यही तक उपसर्ग करेंगे, नेक्स्ट क्लास भी आपको कोशिश करूँगा कंटिन्यू मिल जाए, जल्द मिल जाएगी, शिक्षण विद्युत क्लास भी आपको मिल जाएगी, बस आप निरंतर पढ़ते रहें, टेस्ट देते रहें। टॉप लिस्ट जो नहीं बनाई जा रही है उसका कारण मैंने ग्रुप में स्पष्ट कर दिया है, ठीक है। और फिर भी अब मैं आपके हिंदी के सामूहिक टेस्ट लूँगा, उस वक्त आपके टॉप लिस्ट भी बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है, बहुत अच्छे से सरलता से आपको क्लियर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक शब्द पे आपको गौर करना पड़ेगा, तब जाकर आपके उपसर्ग क्लियर होंगे, और मैं आपकी एक्सरसाइज खूब करवाऊँगा, उपसर्ग को लेकर आपकी एक्सरसाइज जो है वो मैं खूब करवाऊँगा, तो आपकी गलती नहीं होगी, एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।